इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी पार्षद नेता सहित 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। 29 दिसंबर को नगर निगम का घेराव करने पर हुई FIR। घेराव के दौरान तोड़फोड़ सहित मारपीट का आरोप। DSP कांस्टेबल महिला आरक्षक से मारपीट का आरोप इन पर लगा था। 70 वार्डो में 700 से ज्यादा समस्याओं पर किया था घेराव। अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साथ जो है बीजेपी पार्षद नेता सहित 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 29 दिसंबर को नगर निगम का घेराव करने पर FIR दर्ज हुई थी। घेराव के दौरान तोड़फोड़ सहित मारपीट का भी आरोप इन पर लगा था। DSP कांस्टेबल महिला आरक्षक से मारपीट का आरोप बीजेपी पार्षद और नेताओं पर लगा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने घेराव किया था, और इसी मामले पर जो है DSP और महिला आरक्षक से मारपीट करने का गंभीर आरोप बीजेपी पार्षद और नेताओं पर लगा था, जिसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। बता दें कि 29 दिसंबर को नगर निगम का घेराव करने पर FIR हुई थी, जहां बीजेपी पार्षदों द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है मारपीट भी की गई घेराव प्रदर्शन में। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीजेपी पार्षद नेताओं सहित 60 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने DSP कांस्टेबल और महिला आरक्षक से मारपीट करने के इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी पार्षद और नेता सहित 60 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। कल मतलब 29 दिसंबर को बीजेपी पार्षद नेताओं के द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया था। घेराव के दौरान तोड़फोड़ व DSP महिला आरक्षक सहित पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और कुछ पुलिस कर्मी भी वहां पर घायल हो गए हैं। एक घेराव 70 वार्ड के 700 परेशानियों को लेकर किया गया था। जी, तो जी, तो मतलब ये जो घेराव है जिसमें मारपीट हुई, तो अब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो अब आ सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि अच्छी खास यहाँ पे जो है घमासान देखने को मिल रहा है, हाथ हाथापाई चल रही है दोनों पक्षों के बीच। जी देखिए, अब राजनीति में और सनसनी फैल गई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और भाजपा के नेताओं के खिलाफ FIR हुई है, तो एक एकदम से सनसनी बहुत तेज फैल गई है। वही क्योंकि निगम में तोड़फोड़ हुई थी जी, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और 60 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताई हमने, जहां बीजेपी पार्षद नेता सहित 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बता दें, नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे, और इसी बीच इनकी भिड़ंत जो है प्रशासन से हो गई, प्रशासन के अधिकारियों से हो गई, जिसके खिलाफ FIR दर्ज की।